अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा क्रिएशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो गिलास पॉइंट। जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने पिक्सलैब को ओपन करना है और एडिट में आने के बाद आपने न्यू टेक्स्ट हटा के यहाँ पर नेम टाइप करना है और बाकी आप वीडियो को रोटेट करके देख करें ताकि आपको फुल स्क्रीन पर ठीक तरह से वीडियो नज़र आ सके, ठीक तरह से आप समझ सकें। ठीक है, आप रोटेट कर लिया करें। मैं लैंडस्केप में वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में मैं पहले बनाता था, अब नहीं बनाता। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, आपने रोही नेम लिखना है। ठीक है, रोही नेम लिखने के बाद आपने करना क्या, आपके पास अगला ऑप्शन शो होता है बहुत सारे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फॉन्ट चूज़ करना है। फ़ॉन्ट में पिक्सलैब के अपने फ़ॉन्ट होते हैं, माय फ़ॉन्ट में वो फ़ॉन्ट होते हैं जो आप लोगों ने खुद ऐड किए होते हैं। अगर आप लोगों को ऐड करने का नहीं पता, मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कि आप पिक्सलैब में फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास एक अच्छा फ़ॉन्ट ज़िप फाइल नहीं है तो नीचे 6000 प्लस फ़ॉन्ट ज़िप फाइल का लिंक मैंने दिया है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बाकी यहाँ पर रिसेंट में वो फ़ॉन्ट होते हैं जो मतलब आप यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट लगाऊंगा। ये वाला फ़ॉन्ट लगाने के बाद आपने पैडिंग कर लेना, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने करना कि आपने यहाँ पर आना है स्पेसिंग में, थोड़ा सा आपने इस नेम में थोड़ा सा फासला बना लेना है। ठीक है, तकरीबन मैं 4 तक स्पेस रखूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब सारे वर्ड जो है ना अलग अलग रोई के हो गए। यहाँ तक होने के बाद आपने करना क्या है, इसके ऊपर आप कोई फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं, कोई शेप पीएनजी भी लगा सकते हैं, कुछ भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपने करना क्या, आपने यहाँ पर सर्कल में आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इम्पोर्ट का, तो इम्पोर्ट आपने करना है एक पीएनजी गैलरी से। मैं जल्दी मैं एक पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला पीएनजी मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने करना कि आपने अरेज कलर में आना है, इसको अनेबल कर लेना है, 1 पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आना है और ओके कर देना है। टॉलरेंस फुल कर देनी है, फुल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जूम कर देना है और आपने तकरीबन इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। यहाँ पर होने के बाद आपने करना है कि इन दोनों को लॉक कर देना है ताकि ये अपनी जगह से हिले वगैरह ना। अब आपने करना कि आपने शेप में आना है, शेप में आपने कोई भी शेप सेलेक्ट कर देनी। मैं ये वाली शेप सेलेक्ट करूँगा। ये वाली शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने करना कि आपने यहाँ पर ये वाली शेप बना लेनी है। बनाने के बाद आपने फिर आपने आने स्ट्रोक में, स्ट्रोक आपने यहाँ पर ले लेनी है तकरीबन ब्लैक कलर में और 3 पे ले लेनी है और फिर आपने इसकी कॉपी कर लेनी है और इसको इसके ऊपर एडजस्टमेंट कर देना है तकरीबन यहाँ पे, फिर आपने कॉपी कर देनी है और तकरीबन इसको इसके ऊपर एडजस्टमेंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आपने करना क्या है, इसको मतलब मैं एक लेयर में कन्वर्ट करके नीचे ले आऊँगा। ठीक हो गया, ताकि ये आसानी के साथ हम नेम बना सकें, ये ऊपर शेप बना सकें। सॉरी, यहाँ तक हो गया। अब आपने करना कि आप इसको आपने एक लेयर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, और ओके कर देना है। ओके कर दिया तो ये एक लेयर में बनकर आ गई। अब आपने करना क्या, नेम को आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, मतलब ठीक है यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आपने इसको पकड़ करना, इसके नीचे लेकर आ जाना है, ठीक है, और इसको बिल्कुल संभाल कर लेना ताकि इसके दरमियान बीच में ये फिट आ जाए। ठीक है, आपने पोजीशन का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर इसको लेकर आ जाना और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आ जाना है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब आप इसको आगे पीछे करना चाहें तो आप भाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लग गया। तो बाकी ये जितना भी है ना इसमें आपने लगा लेना है, तो मैं जल्दी में लगा लूँगा। तो बाकी फ्रेंड, ये सारे वर्ड पे मैंने डिज़ाइन लगा लिए, यहाँ पर मैंने 2 जगह पर नहीं लगाया, तो ठीक है, थंबनेल पर मैंने आपको दिखाया है। मैं आप लोगों को तरीका मतलब बताता हूँ, ठीक है, कि आपने कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे फिट करना है। आपने यहाँ पर आना है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये कि इसको आपने एक लेयर में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने करना कि आपने अरेंज कलर में आना है, इसको एनेबल कर देना है, 1 पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लेना और टॉलरेंस फोल्ड कर देनी है, ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ पर आप देखें आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। ये जो शेप ऊपर मैंने लगाई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। बाकी रोई वाला नेम जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपने करना है कि आपने शेप में आना है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में आना है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट करना है। अब आपने कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है और अल्ट्रा रखना है, ठीक है। अल्ट्रा रखने के बाद आपने सेव टू गैलरी कर देना, तो ये आपका नेम गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में सेव होने के बाद अब आपने करना है क्या, सेकंड ऐप जो यूज़ करना है वो है पी एस टच। अब मैं जल्दी मैं पी एस टच में चला जाता हूँ। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं पी एस टच में आ गया हूँ। अब आपने करना क्या, प्लस पर आना है और फोटो लाइब्रेरी में आ जाना है।
अच्छा, फोटो लाइब्रेरी में आने के बाद आपने करना है कि आपने पिक्चर में आना और यहाँ पर वो फोल्डर ढूंढ लेना है, वो सॉरी फोल्डर कह रहा हूँ, वो पिक आपने ढूंढ लेनी जिस पर आप नेम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये वाली पेन पिक ऐड कर ली, इसको थोड़ा सा तकरीबन आपने संभाल कर लेना यहाँ तक, ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद आपने करना है कि फिर प्लस पर आना है, फोटो लेयर में आना है और फोटो लाइब्रेरी में आना है और यहाँ पर पिक स्लैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। ठीक है, पिक स्लैब वाला फोल्डर ढूंढने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करने के बाद आपने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। अगर ये वाले पिक आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पर कीजिएगा, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं ये वाली आपको पिक प्रोवाइड कर दूँगा। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर वीडियो सारी भाई आप देख कर जाते हैं, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह, मेरा आप लोगों से ये वादा है। तो बाकी आपने करना है कि फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, प्लस पर आना और डुप्लीकेट लेयर पर दो दफ़ा क्लिक कर देनी है। जैसे ही आपने दो दफ़ा क्लिक करनी है, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, एफ एक्स में जाना है और लाइटिंग में आ जाना है। लाइटिंग में आने के बाद आपने करना है कि एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है, ऊपर डायमंड गोल्ड लाइट की जो कुछ मैं यूज़ करूँगा इसी वीडियो में स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वीडियो आप लोगों ने स्किप भाई नहीं करनी। ठीक है, पूरा स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में क्लियर करूँगा। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद आपने प्लस के साथ जो है कि यहाँ पर रहना है और ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन में ना और इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है, ये वाइट हो जाएगा। अब आपने आना है सेकेंड लेयर में, फिर आपने एफ एक्स में जाना है और फिर आपने करना है कि आपने ड्रॉप एंड शेडो में आना है, इसका एंगल हाई कर देना है, 180 पे कर देना है, ब्लर आपने 5 पे करना है और जो डिस्टेंस है ये 8 पे कर देनी है। एंगल मैं फिर दिखा देता हूँ, 180, ब्लर 5 और डिस्टेंस 8, ओके कर दिया। अब आपने करना क्या, आपने फिर ये सेम प्रोसेस करना है पहली लेयर की तरह। अब आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने आ जाना है लास्ट वाली लेयर पर, ठीक है, नीचे वाली पे। यहाँ तक होने के बाद आपने करना है कि इसको सेलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आपने करना है कि आपने यहाँ पर 45 पे ब्लर रखना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 45 पे रखनी है और इसका कलर ब्लैक कर लेना है और इसका जो एंगल है ना ये 135 पे कर लेना है। डिस्टेंस 45, ब्लर 45, कलर ब्लैक और जो एंगल है ना 135। अब आपने एफ एक्स में आकर इस पर बेवल लगाते जाना है, एक दफ़ा हो गया, ये दो दफ़ा हो गया, ये तीन दफ़ा हो गया और ये चार दफ़ा हो गया, ये पांच दफ़ा हो गया। अगर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करोगे तो जितना बेवल मैं लगाऊंगा आपने उतना ही लगाना है, आप अगर कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करो तो उसके अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, 7 दफ़ा मैंने बेवल लगा लिया। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना कि आपने आ जाना है सेकेंड लेयर में और ये वाला मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट कर लेना है, ब्रश मोड प्लस कर देना है, टॉलरेंस 30 पर रखनी है, कंटिन्यूस की टिक ऑन कर देनी। अब आपने करना क्या है, जिस जिस जगह पर आपने गोल्ड बनाना है उस पार्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको गोल्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमसे गोल्ड नहीं बनता, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है वीडियो में। ठीक है, तो बाकी गोल्ड बनाना बिल्कुल ईजी है, लेकिन मसला ये है कि आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। ठीक है, जो आप स्किप करते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, इस वजह से भाई आप नहीं बना सकते। ठीक हो गया, जहाँ तक हो गया, बाकी इस शेप को भी अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे और बाकी इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको। ठीक है, अच्छा, जिस पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस पार्ट को मैं गोल्ड बनाना चाहता हूँ। अब आपने करना क्या, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इस वीडियो में यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों से यार गोल्ड नहीं ठीक बनता। ठीक है, वो ध्यान नहीं देते बिल्कुल, हालांकि है इजी, मैं वॉइस ओवर में मार्क लगाकर जितना आप लोगों को समझाता हूँ, यार आपको समझ तो आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यार आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती। अच्छा, अब आपने करना है कि आपने प्लस पर आना है और यहाँ पर आपने ले लेनी है लेयर फ्राम सेलेक्शन, ये हो गई। अब आपने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, इसमें कलर वाइट आ गया। अब आपने एफ एक्स में आना है और बेवल में आना है, बेबल का जो ब्लर है ये 15 पे कर लेना है और जो डिस्टेंस है ये भी आपने 15 पे कर लेनी है, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर ब्लैक, एंगल 180 और कलर वाइट, सॉरी करना है कलर वाइट करना है, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर वाइट, एंगल 180, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने फिर एफ एक्स में आना है, फिर बेबल में आ जाना है, ब्लर और डिस्टेंस वही रहने देना है, कलर भी वही रहने देना है, लेकिन एंगल आपने भाई चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने 45 कर लेना है, फिर आपने एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है, इसका एंगल आपने 135 पे कर लेना है। यहाँ तक होने के बाद अब आपने मेरा भाई करना क्या है,
आपने आ जाना है टू लाइंस पे, इसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आप देखें 4, 8, 12 तकरीबन ऑप्शन है, तो आपने कौन सा ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला कर्व्स का। अब सारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है तब आप गोल ठीक बनेंगे। ये जो कर्व्स है ना, यहाँ पर आप वीडियो मतलब स्किप ना के करें, 2-3 बार देखा करें फिर समझ आती, 4-5 बार देखें, बेशक 10-15 बार भी देख लें कोई इशू नहीं, अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं फिर शाम को देख लें, जब भी आप फ्री होते हैं आप देख लें, बल्कि फिर भी नहीं समझ आती तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर सेटिंग करते रहें इसकी, जैसे मैं रखूँगा आपने सेटिंग वैसे ही रखनी है, ठीक है, तब ये गोल्ड वैसा ही बनेगा जैसा मतलब मैं बनाऊँगा, ठीक है। इस दफ़ा आपने सेटिंग ये रखनी है, ठीक है, मैं मोटी मोटी सेटिंग रख लूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ नज़र आ जाए, ये आप लोगों को वाजह नज़र आ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मैंने रोकी हुई है, मतलब मैं कोई और ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहा था कि आप लोगों को सेटिंग की समझ आ सके, यहाँ पर ध्यान से देख लें, टेक कर दी। अब आपने FX में जाना है, फोटो में आना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल मैंने कर दिया, कितना प्यारा गोल्ड बन गया। गोल्ड बनाने के बाद आपने करना क्या है, टू लाइन्स पे आना है और सेचुरेशन में आ जाना है, सेचुरेशन फॉलो कर देना, तो इसमें गोल्ड बहुत ही कलर और बहुत ही अमेजिंग टाइप की आ गई, यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या, सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर देना, मैजिक वैन टूल सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, मोड आपने इस हालत में कर देना है, ठीक है, मोड प्लस ही करना है आपने यहाँ पर, और इसको आपने कलर फिल करना है, ठीक है, फिल स्ट्रोक में आना है, इसको मैंने रेड कर दिया, पिक्सल आपने डी सेलेक्ट कर देना है, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, इस पे आपने कलर कोई और कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सियान कर दिया, फिर पिक्सल आपने डी सेलेक्ट कर देना है। अगर आप मोड प्लस ना करें तो फिर आपको पिक्सल डी सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं, जिस जिस जगह पर आप क्लिक करते जाएंगे वो होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपने आना है और कलर कोई आपने और रख लेना है, ठीक हो गया। मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करना है और इस नेम को आप पहले आपने पिक्सल डी सेलेक्ट करना है, अब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये जो वांग सी बनी इसमें आना है और ये ताला सा बना इसमें आना है, फेलन स्ट्रोक में, और कलर आपने कोई भी करते जाना है, ठीक है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, फिर आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आना है, इस पे आपने मेरा भाई कोई और कलर कर लेना है, मिसाल के तौर पर ये ब्लू कर देना है, यहाँ तक होने के बाद आपने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, कलर ग्रेडिंग भी हो गई, इस पर अभी हम लाइट PNG भी लगाएंगे, डायमंड भी लगाएंगे, गोल्ड भी लगाएंगे, तो आपने वीडियो स्किप करके नहीं जाना, सारी देखनी है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता लगाने का वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक होने के बाद आप ये ऊपर शेप वाला ये देखें, ये बच गई है, ये बच गई है, ये वाला हिस्सा, ये इसको हम एक ही कलर करेंगे, ठीक है, कौन सा, रेड, बाकी आप अदरवाइज कोई भी कलर रख सकते हैं, यहाँ पर मेरा भाई मैं रेड करूँगा इसको, ठीक है, रेड कर लिया। अब यहाँ पर ये गोल्ड भी बन गया, कलर फेल भी बन गया, बाकी यहाँ पर एक और चीज़ हम ये बनना, ठीक है, इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मतलब ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी ना शेप, आपको पता ये देखना सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये सेकंड लेयर को ही आपने सेलेक्ट करना है और मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लेना है, मोड प्लस रखना है, टॉलरेंस 30 कंटिन्यूस की टिक ऑन, एंटी लेस की टिक भी ऑन। अच्छा, यहाँ पर देखना ये बन रहा है, तो आप यहाँ पर ये आराम से बना लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं, ठीक है, मैथड तरीका मैंने बता दिया। अब आपने करना है कि अब आपने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, वंग सी जो बनी हुई इसमें आना है, पेलन स्ट्रोक में आना है और यहाँ पर नोएज रखना है और कलर कौन सा रखना है, वाइट, और इसकी जो अमाउंट है ना ये आपने तकरीबन 30 पे कर देनी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखें ग्लास वन तो आपका रेडी हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, वो क्या करना है, अपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है, बेसिक में आना है और यहाँ पर मेरा भाई ग्लो लगा लेनी, ग्लो आपने 0.6, कलर कौन सा, वाइट। अब यहाँ पर देखें आपका कितना प्यारा बन गया, इसकी कॉपी कर देनी ताकि नेम ज़्यादा वाजिया नज़र आए। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद आपने करना क्या, आपने गोल्ड की कॉपी करनी है और नीचे आना है, यहाँ पर एक सेकेंड ईयर की करनी है कॉपी। अब यहाँ पर मेन काम यहाँ से है, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसकी भाई की कॉपी करके ना अब आपने करना है कि इसका ब्लेंड मोड लैटिन कर देना है, इसको नीचे लेकर आना है, ऊपर वाली जो लेयर है ना ये जो जिस पे बेवल लगा इन दोनों का लैटिन रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो जिस पर हमने कलर ग्रेडिंग की थी इस पे ब्लैक आ रहा था, क्योंकि हमें वो ब्लैक नहीं चाहिए था, वो हमने ब्लैक ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर देखे जिस जिस ये कलर लगा हुआ है ना ये ठीक हो गया, अब यहाँ पर रेडी हो गया, लेकिन इस पर अब हम क्या करेंगे, डायमंड लगाएंगे। डायमंड लगाने के लिए आपने करना क्या, सबसे ऊपर वाली लेयर में आना है, प्लस पर आना है, फोटो लेयर में आना है और यहाँ पर पिक्सल लैब में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भाई मैंने डायमंड रखा है, यहाँ पर मैं लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रहा डायमंड, इस डायमंड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक हो गया, फाइल बनाकर भाई दे दूँगा। तो अगर फिर भी आपसे डाउनलोड नहीं होता तो आप इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगा। डायमंड लग गया,
और फिर पेंसिल में आना है और कॉपी कर देना है, फिर पेंसिल में आना और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर डायमंड लग गया, डायमंड लगने के बाद आपने थोड़ा सा इसको संभाल करना है और बाकी ये जो बचा है ना यहाँ पे, इस पे आपने ये संभाल करके और इस नेम को बड़ा जूम कर देना है, मतलब बहुत ज़्यादा जूम करना है इसको, आपने ज़्यादा भी जूम नहीं करना। ठीक हो गया, यहाँ पर डायमंड लग गया, फिर आपने कॉपी कर दी, फिर आपने कॉपी करनी है, ये डायमंड कॉपी हो जाएगा, फिर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आपने फिर पेंसिल में आना है, कॉपी करना है, ये डायमंड कॉपी हो जाएगा, फिर आपने पेस्ट कर देना है। किसी भी जगह पर आप मेरा भाई यहाँ पे इसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ तक हो गया, मैं फिर तरीका ही आप लोगों को बताऊँगा, सारा नहीं लगा कर दिखाऊँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ तक हो गया, इसके अलावा आपने करना क्या है, फिर आपने इसको यहाँ पर आना है प्लस पे, ये डिलीट के साथ ये जो ऑप्शन है इस पे आना है और मर्ज डाउन कर देना है और इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर देना है। फिर आपने आना है और यहाँ पर मैं गोल्ड ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने गोल्ड भी रखा हुआ है मेरा भाई, ठीक है, तो वो भी मैं ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला गोल्ड रहा, इसको कहाँ पर लगाना है, इसको जिस पर ये नवैज वाला इफेक्ट लगाया ना, इसकी डिज़ाइनिंग तकरीबन आपने ऐसे कर दी जैसे मैंने की है। ठीक है, आपने थंबनेल पर देखा ना, तकरीबन यहाँ पे आप बनी ना बात। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भाई जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आप पेंसिल में आना है, कॉपी करना है, फिर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो ये सारे वर्ड में आपने इस तरह ही लगा लेना है। ठीक हो गया, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीका है। ठीक हो गया, यहाँ पर इसको लगाना है, टेक कर देना है, पेंसिल में आना है, कॉपी कर देना है, ये गोल्ड कॉपी हो जाएगा, फिर पेंसिल में और इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपने ना, ये कहाँ गया गोल्ड, हमारा गैप हो गया, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ तक गोल्ड भी लग गया, डायमंड भी लग गया, अब आपने करना क्या है, फिर आपने वही सेम प्लस के साथ जो है ना यहाँ पर आना है और डिलीट के साथ जो ऑप्शन इधर आना है, मर्ज डाउन करते जाना है, मतलब इसको एक लेयर में बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब आपने करना है कि यहाँ पर मेरा भाई आपने लाइट ले लेनी है। ठीक है, लाइट लेनी है जो इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये वाली ये लाइट यार बहुत ही प्यारी लगती है, तो ये ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पर इसको आपने रोटेट थोड़ा सा कर देना है, यहाँ पे इसको नेम को थोड़ा सा जूम करें और यहाँ पर आना है, थोड़ा सा संभाल करें, यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पे अच्छा ये लग गई लाइट, ओके कर दिया। अब आपने पेंसिल में आना है, कॉपी कर देना, फिर पेंसिल में आना इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, आपने इस गोल्ड पर अगर कोई और लाइट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, उस पर मैंने एक और लाइट लगाई है, वो भी मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं फिर इसको मर्ज डाउन कर दूँगा, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और इस पर जो वाइट लाइट लगाई है तो इसमें मेरा भाई आपने एक और लाइट लगानी है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर लगा कर जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये वाली लाइट है तकरीबन गोल्ड टाइप की बनी हुई। ठीक है, तो ये दो लाइट मैंने यूज़ की, गोल्ड टाइप की है और ये जिस पे गोल्ड लगाया इस पे ही आपने लगाना है। ठीक है, और एक वाइट है। जितनी मैंने लाइट यूज़ की, डायमंड गोल्ड यूज़ किया, सब का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शेप का मिल जाएगा और फॉन्ट का भी मिल जाएगा। इसको तकरीबन इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लग गया, अब आपने करना है प्लस पर, सॉरी पेंसिल में आना है, कॉपी करना है और यहाँ पर फिर पेंसिल में और इसको पेस्ट कर देना है। फिर आपने इसको पकड़ कर तकरीबन यहाँ पे इसको लेकर आ जाना। यहाँ तक आपका ग्लास फ्रंट बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपने करना क्या, आपने इस डन पे क्लिक करके ये लेयर एक बनाए ना बनाए, ठीक है, सारा काम हो गया। अब आपने इस डन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने का तरीका बिल्कुल इजी है, आपने वीडियो स्केप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर ये सेव होने का ऑप्शन आ जाएगा, आगे शेयर पर क्लिक कर देना, सेव टू गैलरी पर क्लिक करना, पी एन जी में रख कर इसको सेव करना, पहले पेक पर क्लिक करना, तब ओके का ऑप्शन शो होगा, तब ये गैलरी में सेव होगा। तो यहाँ पर ओके कर देना तो ये आपको गैलरी में नेम सेव हो जाएगा। फ्रेंड, आज की हमारी बात यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।